नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि साफ तौर पर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ साथ एक नक्सली को भी पकड़ा है पुलिस ने। चलिए इसके बारे में क्या जानकारी, कितनी भारी मात्रा में वो विस्फोटक था और कैसे ये नक्सली जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो आपको जानकारी देते हैं कि आंध्र प्रदेश से लेकर ये बारूद को लाया जा रहा था माओवादियों को सप्लाई करते वक्त, ये जो नक्सली है, जो आरोपी है, वो पकड़ा गया था। जानकारी आपको देते हैं कि पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक का सामान इस आरोपी से बरामद किया। इसके साथ साथ इसको धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और वहीं से ये बारूद को लेकर यहाँ पर आया था। नक्सलियों को सप्लाई ले जा करते वक्त ये जो आरोपी है इसको धर दबोचा गया था। पुलिस ने नक्सलियों के सप्लाई करने की जो चेन को लगभग तोड़ दिया है, ये कम से कम पुलिस की एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मामला जो है वो कोडिनार क्षेत्र का है, उसलिए थाना क्षेत्र का आता है। जानकारी जो मिली है वो ये है कि सोमवार की को पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर युवक से भारी मात्रा में एक विस्फोटक पदार्थ मिला था। कहा जा रहा था कि ये आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने एक सर्च टीम बनाई और इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। बास्ता नगर के बस स्टैंड में इसे खड़ा किया गया और उसको तब जवानों ने पकड़ लिया। तो इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मंगलू मड़कामी बताया है। बीजापुर जिले के भैरम गाँव का रहने वाला था। पिछले साल से बस्तर जिले के काकलुका में वो रहता था। पुलिस ने भी बताया है कि आंध्र प्रदेश में मजदूरी का काम करता है, लेकिन नक्सलियों को ये कहीं ना कहीं विस्फोटक सप्लाई कर रहा था। और ये भी आपको बता दें कि लगभग, देखिए अब जरा हम आपको बता दें कि इसके पास से पकड़ा क्या क्या है, कितनी मात्रा में पकड़े गए हैं नक्सली चीज़ें जो है, जो बारूद है, जो विस्फोटक सामग्री है। तो 2 नग इको प्राइम बुलस्टर 83 mm 2.78 kg के 6 नग और APN पावर एक्सप्लोजिव क्लास और 125 mm 125 ग्राम 6 नग डिटोनेटर के तार पिले हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इससे पकड़ी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक राहत की बात है कि वक्त चलते इसे पकड़ लिया गया है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना।